गाइस, जिस तरह से टैमो के सामने हारी की रियलिटी आई है, उसे टैमो का दिमाग गुस्से से गर्म हो गया है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि हारी ने उसके जैसे इंटेलिजेंट बंदे को उल्लू बना दिया है। टैमो घर जाता है और हारी की सारी डिटेल्स चेक करता है, जिसके बाद टैमो को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो सोचता है कि मैं एक एम्प्लॉय के साथ डेट पे जाता रहा और वो शुरू से ही मुझे बस बेवकूफ बना रही थी। उसने अपने नाम से लेकर सारी चीजों के बारे में बस झूठ ही बोला था। कंपनी में भी वो मेरे सामने बहुत बार आई, पर हर बार वो चालाकी दिखा करके बच गई। टैमो अब सोच लेता है कि उस शिनहारी ने मेरे साथ जो किया वो गलत था, इसके लिए मैं अब उसे सबक सिखा के रहूंगा। नेक्स्ट डे हारी ऑफिस में होती है तो टैमो जानबूझकर उसे मैसेज करके बेवजह ही मिलने के लिए बुला लेता है, वो भी कंपनी के पास वाले रेस्टोरेंट में। हारी जल्दी जल्दी गुमी के गेटअप में रेडी होकर टैमो के पास मिलने को जाती है और उसे पूछती है कि ऐसे अचानक से आपने मुझे क्यों बुलाया है। टैमो हारी से सच्चाई उगलवाने का सोच के कहता है कि मुझे रियलाइज हुआ है कि मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, जैसे तुम किस कंपनी में काम करती हो, तुम्हारी हॉबीज क्या है और भी बहुत कुछ। इस पे हारी कहती है कि ये सब जानने की क्या जरूरत है, हम रियल में डेटिंग तो नहीं कर रहे हैं। टैमो भी बहाना बनाकर कहता है कि ये सब बातें मेरे ग्रैंडफादर मुझसे पूछ सकते हैं, इसलिए मुझे ये सारी बातें जाननी होंगी। अब इस मोमेंट पे हारी सोच में पड़ जाती है कि मैं क्या बोलूं, लेकिन फिर वो इन बातों को इग्नोर करके टैमो से कहती है कि ये सारी बातें तो फोन पे होती ही रहेंगी, इसके लिए आप अपना कीमती वक्त बर्बाद मत करिए। हारी के ऐसा बोलने से टैमो को गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है कि हारी अपने मुंह से रियलिटी नहीं बताने वाली है, चाहे इसके लिए उसे और ही झूठ क्यों ना बोलना पड़ जाए। इसके बाद टैमो रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर चाउन को कॉल लगाता है एंड जानबूझ के हारी को परेशान करने के लिए कहता है कि अभी के अभी फूड प्रोडक्ट टीम के साथ मेरी मीटिंग रखवाओ, मैं उनसे मिलकर देखना चाहता हूँ कि उनकी डेवलपमेंट्स कहाँ तक पहुँची है। अब इसी टीम के मेंबर हारी भी है और टैमो की बात सुनकर हारी जल्दी से भागती हुई कंपनी पहुँचती है, लेकिन तब तक तो टैमो वहाँ पहुँचकर मिस यू एंड मिस्टर के साथ फूड रिलेटेड बातें कर रहा होता है। आज हारी को भी काम के लिए ना चाहते हुए टैमो के सामने जाना ही पड़ता है, लेकिन टैमो हारी को ना पहचानने का दिखावा करता है। टैमो हारी को परेशान करना चाहता है तो अब इसके लिए वो दूसरा तरीका यूज करता है। वो स्ट्रिक्ट वे में हारी को रावियोली डिश की रीमेक करने को कहता है, जबकि ये डिश उनकी टीम की हाईएस्ट रेटिंग वाली डिश है। ये देखकर जाहुन बाद में टैमो से पूछता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, रावियोली रीमेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो टैमो इस पे जाहुन को बताता है कि वो जो शिनहारी को तुम देख रहे हो वो असल में गुमी है और मैं उसकी अब बैंड बजाना चाहता हूँ। ये जानकर जाहुन को बिलीव ही नहीं हो रहा होता है। वो दोबारा से टैमो ये बात रिपीट करने को बोलता है। टैमो गुस्से में होता है और वो चाहुन के सामने ही कह देता है कि मैं शिनहारी को रियलाइज करवा के रहूंगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। हारी एफर्ट्स लगाकर डिश को प्रिपेयर करती है, बट टैमो उसे ये डिश और इम्प्रूवमेंट के साथ बनाने को बोलता है। और एक बार नहीं, हारी एक ही डिश को टैमो के कहने पे बार बार बनाती है, पर हर बार टैमो जानबूझकर डिश में कोई ना कोई नुक्स निकाल कर उसे दोबारा बनाने का ऑर्डर दे देता है। हारी परेशान हो जाती है। लास्ट में वो टैमो के पास जाकर पूछती है कि आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या इम्प्रूव करना है डिश में, इसकी डिटेल्स भी आपने मुझे नहीं बताया है, तो मैं कैसे जानूंगी कि डिश में क्या खराबी है। हारी के क्लोज आने से टैमो की हार्ट बीट यहाँ पे फास्ट हो गई होती है। वो खुद हारी को कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं होता है, इसलिए वो बिना कुछ बोले ही यहाँ से चला जाता है। हारी की बनाई डिश तो इतनी अच्छी थी कि बाद में जब ग्रैंडफादर लंच टाइम में इसे टेस्ट करते हैं तो वो पूरी की पूरी प्लेट साफ करके खा जाते हैं। मिनू ने भी कंपनी ज्वाइन कर लिया है तो आज की लंच हारी उसके साथ ही करने जाती है, बट मिनू और हारी को एक साथ टैमो भी देख लेता है और उसका दिमाग गुस्से से और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। वो लंच छोड़कर इन्हें ऐसे घूर रहा होता है जैसे उसका बस चले तो वो इन दोनों की जान ले लेगा। हारी भी देखती है कि हॉल में टैमो और उसके ग्रैंडफादर साथ में बैठे हैं। वो खुद ही मिनू को लेकर यहाँ से भाग जाती है। कंपनी की फाउंडिंग एनिवर्सरी डे आने वाली है, जिसके लिए सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया गया है और चिलाक टैमो हारी से इसी सेरेमनी पे उसकी गर्लफ्रेंड बन के चलने को कहता है। अब हारी उसी कंपनी की एम्प्लॉय है तो उसे वहाँ हर कोई पहचान सकता है, इसलिए वो सेरेमनी पे जाने से मना करती है, ये बोलकर कि उस दिन तो मेरी फ्रेंड की शादी है जिसे अटेंड करना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टैमो भी चला के दिखा के ये कहता है कि ठीक है, मुझे अपनी फ्रेंड की शादी का इन्विटेशन कार्ड दिखाओ, ताकि तुम अगर उसकी शादी पे नहीं जा पाए तो मैं उसे तुम्हारी तरफ से वेडिंग गिफ्ट भेज के उसे सॉरी कह दूंगा। ये सुनकर हारी बात को घुमा
बेईमानी लगती है। वो कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी फ्रेंड की शादी इस सैटरडे को नहीं बल्कि नेक्स्ट सैटरडे को है। इसके बाद हारी दूसरा बहाना बनाकर कहती है कि मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ उसकी हालत सही नहीं चल रही है, कंपनी बैंकक्रप्ट भी हो सकती है, इसलिए अभी हम एम्प्लॉयज को छुट्टी मिलना मुश्किल है। ये बहाना सुनकर टैमू समझ जाता है कि हारी नहीं मानेगी, वो बचने के लिए और भी रीजंस देगी, इसलिए टैमू डायरेक्टली हारी को पेनल्टी फी पे करने की बात बोल देता है। जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि टैमू की बात अगर हारी नहीं मानती है या कोई गलती करती है तो हारी को पेनल्टी फी देना होगा। पेनल्टी फी हारी जिनयोंग से जाकर अब मांगती है, पर जिनयोंग की हालत तो डैड का घर छोड़ने की वजह से खुद ही खराब हो गई है, तो वो भी हारी को पूरे पैसे नहीं दे पाती है। मगर वो हारी को समझाती है कि तुम में और गुमी के लुक में बहुत ही डिफरेंसेस है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पार्टी में तुम्हें कोई भी नहीं पहचानेगा, तुम बेफिक्र होकर पार्टी में जाओ। टैमू चाउन के घर पे होता है और गुस्से में वो घर की क्लीनिंग कर रहा होता है। इस वक्त ही उसे हारी के बोले हुए झूठ भी याद आ रहे होते हैं, जैसे कि हारी ने ये तक कह दिया है कि उसकी कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली है। टैमू देखता है कि चाउन के घर पे ही जिनयोंग के नाम का पार्सल रखा हुआ है। टैमू पूछता है कि कहीं ये वही जिनयोंग तो नहीं है जिसे मैं जानता हूँ, जिसने मेरे साथ स्कैम किया है। तो चाउन भी बता देता है कि हाँ ये वही लड़की है, वो कुछ दिनों पहले ही मेरे बगल वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई है और ये बात मैं आपको बताने वाला था बट मैं भूल गया। आज जिनयोंग एंड हारी का ड्रिंक करने का प्लान होता है, वो भी जिनयोंग के प्लेस पे ही। तो ये दोनों चाहोन से छुपने के लिए लिफ्ट के बजाय स्टेयर से रूम में जा रही होती है, मगर फिर भी चाहोन इन्हें देख ही लेता है क्योंकि वो जिनयोंग का पार्सल देने इसी वक्त अपने अपार्टमेंट के बाहर निकला होता है। चाहोन हारी को देख कर थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि अगर टैमू ने हारी को गलती से भी यहाँ देख लिया तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पे चला जाएगा। इसी डर से अब चाहोन जिनयोंग को भी दो चार बातें रूडली कह देता है कि अपना पार्सल पकड़ो और आगे से सही एड्रेस देना जिसे पार्सल मेरे घर पे ना आए, और सबसे जरूरी बात तुम इस लाइन से आगे मत आओ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कोई भी पड़ोसियों वाले रिश्ते विश्ते नहीं रखना चाहता हूँ। चाहोन के घर भी बात से जिनयोंग को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो भी सोच लेती है कि मैं उस चाहोन को बताऊंगी कि लाइन कैसे खींची जाती है, वो बड़ा मुझे लिमिट में रहना सिखा रहा है। अगले दिन हारी को एक गुड न्यूज मिलती है। दरअसल हारी की मेहनत को देखते हुए होने वाली फाउंडिंग सेरेमनी पे हारी को एक मेगा हिट अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। हारी ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, पर फिर उसकी सारी खुशी गम में बदल जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि सेरेमनी पे तो मुझे टैमू के साथ गुमी बन करके जाना है, तो वो एज एम्प्लॉय हारी बन करके अवार्ड लेने कैसे आ पाएगी। काफी सोचने पर हारी को एक आइडिया मिलता है कि किसी तरह से मैं कोल्ड का बहाना बनाकर अवार्ड लेने नहीं आऊंगी, मगर टैमू के सामने हारी का ये आइडिया भी फेल हो जाता है क्योंकि टैमू हारी के घर जाने से पहले ही उसके फैमिली को सेरेमनी में आने के लिए इनविटेशन कार्ड भेज देता है, जिससे अब हारी की फैमिली को भी पता चल गया है कि हारी को सेरेमनी में अवार्ड मिलने वाला है। हारी की फैमिली सेरेमनी में जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है। टेंशन में हारी को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करेगी। वो इतनी ज्यादा परेशान होती है कि अगले दिन ऑफिस में वो काम के बीच ही सो जाती है और उसे सपना आता है कि सेरेमनी पे उसका झूठ सबके सामने बुरी तरीके से पकड़ा गया है, जिसके बाद टैमू उसे काम से निकाल रहा है। हारी नींद में होती है एंड जो डिश वो प्रिपेयर कर रही थी वो जल जाती है। टैमू एंड चाउन भी इसी वक्त डिश के स्मेल से यहाँ पर आ जाते हैं और हारी को नींद से जगाते हैं, पर हारी जैसे ही देखती है कि पूरी डिश जल गई है तो वो घबरा कर उसे ठीक करने लगती है और इसी चक्कर में उसका हाथ जल जाता है। ये देखकर टैमू को अचानक से बुरा लगने लगता है, वो समझ जाता है कि हारी आजकल इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रही है कि उसका ध्यान काम पे नहीं है। टैमू अभी भी बस इतना चाहता है कि हारी मेरे सामने सारी सच्चाई कबूल करके मुझसे माफी मांग ले, फिर मैं उसे माफ कर दूंगा और मैं उसे परेशान भी नहीं करूंगा। असल में टैमू भी हारी को परेशान करना नहीं चाहता था, उसे ऐसा करके अच्छा भी नहीं लग रहा है। जिनयोंग अपने फेवरेट रेस्टोरेंट जो कि बहुत ही पॉपुलर है वहाँ खाना खाने को जाती है, मगर यहाँ चाउन ऑलरेडी आया होता है। भीड़ के कारण वेटर जिनयोंग को चाउन के साथ ही टेबल शेयर करने को बोलता है। जिनयोंग एक टेबल पे बैठ तो जाती है बट वो यहाँ चाउन से उसकी बोली हुई बात का बदला लेना स्टार्ट कर देती है। वो भी बीच में एक लाइन ड्रॉ करके चाउन को टोंट मार के कहने लगती है कि मैं यहाँ अपनी लाइन नहीं भूलूंगी, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। हारी भी अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए ड्रिंक करने आई होती है, वो काफी ड्रिंक कर लेती है और बाद में एक पार्क में जाकर नशे की हालत में वो टैमू को कॉल लगा देती है और उसे पेनल्टी फी कितनी है ये पूछती है, और ये कहते कहते ही नशे में हारी गिर जाती है।
टैमो को हारी की फिक्र होने लगती है तो उसे ढूंढता हुआ यहाँ पहुँच जाता है। नशे की हालत में हारी को लगता है कि टैमो उसके सामने नहीं है, वो बस एक सपना देख रही है। अपनी गिल्ट को कम करने के लिए अब नशे में हारी रियलिटी बोलकर टैमो से माफी मांगने लगती है। वो कह देती है कि मैं गुमी नहीं बल्कि हारी हूँ और आपके ही कंपनी में एक एम्प्लॉय के तौर पे काम करती हूँ, जिसे अब टैमो को रियलाइज होने लगता है कि उसे अब हारी को परेशान करना बंद कर देना चाहिए। वो कुछ भी कर ले, रियलिटी तो यही है कि हारी उसकी फेक गर्लफ्रेंड है, फिर इतना कुछ करने से क्या ही फायदा होगा। ये सब सोचकर टैमो हारी के साथ अगले दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है और वो खुद कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पे चला जाता है। टैमो के दिल में हारी के लिए लव फीलिंग्स डेवलप होने लगी है, जिसे टैमो खत्म करना चाहता है। वो बस इसलिए कोरिया से दूर अदर कंट्री जा रहा है, मगर टैमो के जाने का कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि उसे वहाँ हर वक्त हारी का ख्याल आने लगता है एंड उसे हारी अपने सामने दिखाई भी देती है, जिसे टैमो बहुत परेशान हो जाता है। उसके लिए हारी के ख्यालों से निकलना अब मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ टैमो के दिलो दिमाग पर हारी का रंग चढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हारी बहुत ही रिलीफ में है। वो बहुत खुश है ये सोचकर कि अब उसे गुमी बनने का नाटक नहीं करना पड़ेगा, वो अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ खुलकर जिएगी। टैमो न्यूयॉर्क में है और ग्रैंडफादर का मन गुमी से मिलने का हो जाता है, इसलिए वो गुमी मतलब हारी को कॉल करके आज रात डिनर पे आने को बोलते हैं। हारी ये बात टैमो को बताने के लिए उसे कॉल लगाती है, पर हारी का कॉल टैमो रिसीव नहीं करता है इस डर से कि बिना बात किए जब हारी उसे हर जगह दिखाई दे रही है तो बात करने से उसे कहीं हारी की और याद न आने लगे। जिनयोंग के हाथ से एक लैम जो कि उसे यूंग ने एज ए पड़ोसी के तौर पे दिया था वो टूट जाता है, लेकिन लैम के अंदर जिनयोंग को एक मिनी कैमरा मिलता है। वो समझ जाती है कि इसे यूंग ने लगाया था। वो काफी घबराई हुई होती है ये सोचकर कि इस कैमरे के जरिए यूंग उसकी प्राइवेट मूवमेंट्स को भी देखता होगा। फिर जिनयोंग इस बात की कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन जा रही होती है कि तब तक यूंग आ जाता है और वो जिनयोंग के हाथ से वो लैंप लेकर भागने लगता है। एंड मौके पे चाउन भी पहुंचता है और वो ये सब देख लेता है, तो जिनयोंग उसे सारी बात बताकर यूंग से वो लैंप लेने को बोलती है। चाउन उसे ये कैच कर लेता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। हारी ग्रैंडफादर के साथ डिनर करने के लिए जाती है, बट तब तक वहाँ पर टैमो पहुंचकर हारी को अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहता है, क्योंकि चाउन ने टैमो को कॉल करके जिनयोंग के साथ यूंग ने जो भी किया है वो बता देता है। अब जल्दबाजी में टैमो हारी को आज गुमी नहीं बल्कि हारी ही कह के पुकारता है। अपना रियल नेम टैमो के मुंह से सुनकर हारी शॉक हो जाती है। वो टैमो से पूछती है कि आपको रियलिटी कैसे पता चली। इस पे टैमो कहता है कि हम इन सब बातों को बाद में क्लियर करेंगे, फिलहाल के लिए हमें जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन जाना होगा। जिनयोंग के साथ यूंग ने जो भी किया है उससे वो बहुत ज्यादा घबराई होती है। लॉ के अकॉर्डिंग पुलिस तो यूंग से फाइन लेकर उसे छोड़ रही होती है, बट टैमो पर्सनली यूंग को सबक सिखाने के लिए उसे उसके कंपनी से फायर कर देता है, क्योंकि यूंग जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी टैमो ने खरीद ली थी। और इतना ही नहीं, टैमो यूंग पे कानूनी कार्रवाई भी करवाता है, क्योंकि इसने सिर्फ जिनयोंग के साथ ही वैसा नहीं किया था बल्कि पहले भी ये बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था। इन सब के बाद नेक्स्ट डे ऑफिस में हारी टैमो को देखते ही छुपना शुरू कर देती है। हारी की रियलिटी अब टैमो जान गया है, इसलिए हारी को उसे फेस करने में बुरा फील हो रहा है। ऊपर से हारी को ये भी लगता है कि अब टैमो उसे इस कंपनी से निकाल देगा। टैमो हारी को मैसेज करके आज ऑफिस के बाद मिलने बुलाता है। टैमो के दिल में हारी के लिए जो फीलिंग्स है टैमो उसे अब छुपाना नहीं चाहता है। वो हारी से आज शाम अपने दिल की बात कहने वाला है, इसलिए वो काफी एक्साइटेड भी होता है। पर जाउन टैमो को बार बार ऐसा करने से रोक रहा होता है। उसका कहना होता है कि टैमो को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले अच्छे से वो हारी को जान ले समझ ले फिर उसे प्रपोज करना चाहिए। टैमो जाउन की एक भी बात नहीं सुनता है। टैमो को पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि आज हारी मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि मैं एक परफेक्ट बंदा हूँ। पर जब रेस्टोरेंट में हारी आती है तो वो टैमो को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती है। उसे लगता है कि टैमो मुझे कंपनी से निकालने की बात अब बोलेगा, इसलिए हारी टैमो को कंपनी में अपने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने लगती है और टैमो से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप मुझे मत निकालिए, मैं एक अच्छे एम्प्लॉय हूँ, मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बनाए हैं और मैं कोई लापरवाही भी नहीं करती हूँ। हारी की वर्क रिलेटेड बातें सुन सुनकर टैमो इरिटेट हो गया होता है। वो सोचता है कि मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं इसे आज प्रपोज करने आया हूँ। टैमो का मूड ऑफ हो जाता है। वो चाउन से कहता है कि आखिर वो मेरे जैसे हैंडसम बंदे के सामने रोमांटिक लाइट में काम की बातें कैसे कर सकती है, उसे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। इस पे चाउन टैमो को समझाता है कि हारी के दिल में अभी मिनवो के लिए फीलिंग्स है, तो वो तुम्हारी ओर कैसे देखेगी, तुम्हें पहले हारी का दिल जीतना होगा। तुम उसके बॉस हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे साथ वो कम्फर्टेबल नहीं होगी। हारी और जिनयोंग के सारी कॉलेज फ्रेंड्स की आज गेट टुगेदर होती है, जिसमें यूरा और मिनवो भी आए होते हैं। हारी अपने फोन को बार बार चेक कर रही होती है, तो
बाकी लोगों को लगता है कि हारी का कोई बॉयफ्रेंड है। सब लोग हारी से बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने भी लगते हैं, जिस पे जिनयोंग सबको झूठ कह देती है कि हारी का एक बॉयफ्रेंड है जो कि बहुत ही हैंडसम है, रिच है और वो हारी की बहुत केयर भी करता है। जिनयोंग ने ये झूठ यूरा को दिखाने के लिए बोला था क्योंकि यूरा हारी को हमेशा नीचा दिखाती रहती है। और बॉयफ्रेंड वाली बात जैसे ही मिनवो को पता चलती है तो उसका मुंह लटक जाता है, जो कि यूरा नोटिस कर लेती है। चाहोन की बातों को सुनकर टैमो भी सोच लेता है कि वो धीरे धीरे हारी के दिल में अपने लिए जगह बना के रहेगा। इसलिए वो हारी से मिलता है और उसे कह देता है कि मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकालूंगा क्योंकि तुम एक अच्छी एम्प्लॉय हो। इसके बाद टैमो काम की बात डिस्कस करने का झूठ बोलकर हारी को मूवी थिएटर में बुला लेता है। हारी उसे पूछती भी है कि हम यहाँ क्या काम कर सकते हैं, तो टैमो कहता है कि मूवी के जो मेन लीड है वो एक फूड रिसर्चर है और इस मूवी से हमें काफी आइडिया भी मिलने वाला है। टैमो ये सारी बहानेबाजी सिर्फ हारी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कर रहा होता है। वो थिएटर की सारी टिकट्स भी बुक कर लेता है ताकि यहाँ उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, पर टैमो के इस प्लान पे पानी फिर जाता है क्योंकि इस जगह पे मिस यू एंड मिस्टर गे पहुंच जाते हैं। और हारी जब वॉशरूम से आ रही होती है तो ये दोनों उसे देखकर साथ में मूवी देखने की बात करने लगते हैं, जिसके बाद तो हारी को इन लोगों के साथ मूवी देखना ही पड़ता है। एंड टैमो इनसे छुपने के लिए थिएटर से इस कदर बाहर आ जाता है। युंग ने जिनयोंग के साथ जो भी किया है उसके बाद वो पब्लिक वॉशरूम यूज करने में भी बहुत डर रही है। उसे हर जगह यही लगता है कि सीक्रेट कैमराज लगे हुए हैं, पर दिक्कत ये होती है कि जिनयोंग को जो की आई हुई होती है और रास्ते में ट्रैफिक लंबा होता है। वो चाहून को देखकर उसे लिफ्ट ले लेती है, लेकिन ट्रैफिक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो बेचारी कार से उतर के किसी तरह कंट्रोल करते हुए पब्लिक टॉयलेट में चली जाती है। मगर पब्लिक टॉयलेट का डोर खराब होने के कारण से खोल ही नहीं रहा होता है। चाहून भी जिनयोंग के पीछे पीछे आ जाता है और फिर वो डोर को धक्का देकर ओपन करता है, जिसके बाद जिनयोंग टॉयलेट जा पाती है। अब जो कुछ भी हुआ उससे जिनयोंग बहुत ही अपसेट हो जाती है। उसे चाहून को फेस करने में बहुत ही एम्बेरसमेंट हो रही होती है। हारी का इंस्टाग्राम चेक करने पे टैमो को एक आइडिया मिलता है, जिसके बाद वो हारी को बिजनेस ट्रिप का बोलकर एक अच्छे से प्लेस पे ले जाता है। टैमो ने सोच रखा होता है कि वो आज हारी को इम्प्रेस करेगा, उसे ये फील करवाएगा कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। पर हारी तो सारा टाइम बस टैमो को अपने बॉस की तरह ही ट्रीट करती है। वो काम के अलावा किसी और टॉपिक पे टैमो से बात ही नहीं करती है। फिर टैमो हारी को बीच पे लेकर आता है। हारी उससे पूछती है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, तो इस पे टैमो झूठ क्या देता है कि मुझे बहुत दिनों से सी साइड पे आने का मन था, बट काम की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। हारी देखती है कि बीच पे एक फेमस हैमबर्गर की ट्रक खड़ी है। हारी हमेशा से इसी ट्रक के बर्गर खाना चाहती थी क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ के बर्गर कहीं भी नहीं मिलती है और लोग रेयरली इस बर्गर को टेस्ट कर पाते हैं। अब हारी को क्या पता कि ये ट्रक टैमो ने यहाँ मंगवाया है सिर्फ हारी के लिए। इसके बाद ये दोनों साथ में बर्गर खाते हैं और खूब सारी बातें भी करते हैं। हारी टैमो को अपनी फैमिली, अपने ड्रीम से रिलेटेड बहुत सारी बातें शेयर करती है, जिसे सुनकर टैमो को काफी अच्छा लग रहा होता है। ऐसे ही रात हो जाती है और ये दोनों घर जाने के लिए यहाँ से निकलते हैं। जिनयोंग जिस रेस्टोरेंट में होती है बाय चांस चाहून भी वहीं आ जाता है, मगर कल जो भी हुआ है उसको याद करके जिनयोंग चाहून के सामने एम्बेरस फील कर रही होती है, इसलिए वो चाहून के साथ टेबल तो शेयर कर लेती है पर उससे बातचीत नहीं करती है। फिर ये दोनों ड्रिंक कर लेते हैं और चाहून नशे की हालत में जिनयोंग से पूछता है कि आखिर बार बार तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। जिनयोंग बताती है कि कल मैंने जो सीन क्रिएट किया था उसके बाद मैं कैसे से बात कर सकती हूँ, तो इस पे चाहून उसे समझाता है कि कल जो भी हुआ वो नेचुरल था, उसके बारे में तुम मत सोचो और मुझे अवॉइड करना भी अब बंद कर दो। नशे की हालत में जिनयोंग चाहून के सामने अपने दिल की सारी बातें बोल देती है कि मैंने जब से पहली दफा तुम्हें देखा था तभी से मैं तुम्हें लाइक करने लगी थी, पर तुम ही हमेशा मुझे इग्नोर किया करते थे और मुझसे फ्रेंडशिप करने से भी तुमने मना कर दिया था, इसलिए अब मुझे भी तुम्हारे साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं करनी है। ये सब कहते कहते नशे में जिनयोंग चाहून को किस कर लेती है और इसके बाद चाहून भी खुद को नहीं रोकता है, वो भी जिनयोंग को किस करने लगता है। हारी और टैमो घर जा रहे होते हैं मगर रास्ते में बारिश होने लगती है, जिसके बाद टैमो अचानक से बहुत घबराने लगता है। वो कार भी रोक देता है एंड 20 सड़क पे हारी को उतार कर खुद मीटिंग का बोल करके यहाँ से चला जाता है। हारी का फोन डेथ हो गया था जिससे वो इस वक्त कोई भी कैब बुक नहीं कर पाती। उसे एक होटल मिलता है तो वो वहाँ चली जाती है। बारिश खत्म होने के बाद टैमो की कंडीशन जब थोड़ी ठीक होती है तो वो वापस से हारी को ढूंढते हुए उसी जगह पे आता है जहाँ उसने हारी को उतारा था। हारी का फोन भी ऑफ आ रहा होता है तो टैमो उसके लिए बहुत वरीड होने लगता है। उसे लगता है कि हारी अचानक से कहाँ चली गई है। इधर हारी होटल से फोन चार्ज करके निकल रही होती है, तब तक यहाँ उसके कॉलेज फ्रेंड्स उसे मिल जाते हैं। दरअसल ये लोग यहाँ मिनू के साथ आए हैं क्योंकि मिनू की कुकिंग की फिल्मिंग होने वाली है और ये लोग इसी बहाने से यहाँ एंजॉय भी करने आए हैं।
हारी के फ्रेंड्स को लगता है कि हारी यहाँ जरूर अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही आई होगी, इसलिए ये लोग हारी से पूछने लगती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड कहाँ है, हमें भी उसे मिलवाओ। इतने में तैमो यहाँ पहुँच जाता है और वो इस सिचुएशन को देखकर हारी की हेल्प करने के लिए इनके सामने कह देता है कि मैं ही हारी का बॉयफ्रेंड हूँ। इसी सीन पे ये पार्ट खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।